पहले के लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ये कहावत अब बिल्कुल उल्टी पड़ चुकी है। आज खेल के क्षेत्र में भी जितने हमारे देश में सफलता मिल रही है उससे लोगों का खेल के प्रति रुझान बढ़ा है। और इस कहावत को बदले हुए अब लोग ये कहने लगे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे नायाब। जी हाँ, और इसी विषय को लेकर आज बातचीत करने वाले हैं जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से चंद्रेय जी से। चंद्रेय धन्यवाद अभिषेक जी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेलकूद हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है? अभिषेक जी, खेलकूद हमारे लाइफ में मेरा ये मानना है कि बहुत इम्पोर्टेंट है जी। क्योंकि खेलकूद सिर्फ आपका फिजिकल फिटनेस नहीं बढ़ाता है, वो आपको एक अलग एटीट्यूड देता है जी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, एक दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने का तरीका या उनसे इंटरेक्ट करने का तरीका जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ये खेल कूद से अच्छे मतलब खेल कूद के ज़रिए ही हो सकता है। क्योंकि खेल तब एक कॉमन फैक्टर प्ले करता है जिसमें आप उनसे मिलते हैं जुलते हैं। तो खेल फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, मैं ज़रूर बोलूँगी कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैं ये बोलूँगी कि सारे उम्र के वर्ग के लोगों को खेल कूद से जुड़े रहना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूसली, ये नहीं कि कभी खेले हमेशा। अगर देखा जाए तो आज के डेट में खेलकूद एक अच्छा करियर भी बन चुका है, लोग इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और नाम शोहरत के साथ पैसे भी कमा रहे हैं, तो आने वाले समय में आप इसको कैसा देखती हैं? अभी जो हम लोगों ने ओलंपिक्स में जैसा परफॉर्मेंस दिया है जी, ये अचानक नहीं हुआ है, ठीक है, इसके पीछे बहुत सालों का मेहनत था, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारा गवर्नमेंट का सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये रहा है तभी जाके आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक टाइम हुआ करता था जब हॉकी में इंडिया को कोई छू नहीं पाता था, अब इतने सालों बाद फिर से हम लोग वो कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने कुछ अलग सोचा है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि भाई स्पोर्ट्स क्या है या क्यों करना चाहिए। सही बात है। और स्पोर्ट्स में क्या करियर होता है, मैं उन पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि एक प्लेयर को डेवलप करने के पीछे जितने लोग लगते हैं वो सारे के सारे करियर ओरिएंटेड, खुद अपना मतलब उस स्पोर्ट्स पर्सन के वजह से उनको एक नौकरी मिली हुई है, बिल्कुल, वो अपना लाइफ उसके पीछे पूरी तरह से दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भाई हम इंजीनियर ही बन जाए या डॉक्टर ही बन जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन एक अलग फील्ड बन चुका है, बिल्कुल, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अलग फील्ड बन चुका है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक अलग फील्ड बन चुका है। और जहाँ पे हम लोगों को लोग नहीं मिलते हैं आसानी से। करियर के बारे में आपने बातचीत की कि काफ़ी अच्छा करियर है, तो आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए शुरुआत कैसे करनी चाहिए? पहले तो आप एक स्पोर्ट्स देखिए जिसमें आप खेलते हैं या जिसमें आप रुचि रखते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि उससे रिलेटेड कौन से प्रोफेशंस हैं जी, जैसे कोच हो गया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोच हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अलग पूरी तरह से अलग फील्ड है। जैसे अभी एक स्पोर्ट्स पर्सन या एक कोई भी प्लेयर बनने के पीछे बहुत बड़ी एक टीम लगती है, तो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, उसको किस तरीके के जूते चाहिए वो बोलिए, किस तरीके का खाना चाहिए वो बोलिए, तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स है, इन सारे प्रोफेशनल्स को लेके एक प्लेयर बनता है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स बोलिए या तो फिर टीम स्पोर्ट्स बोलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी यूँ कहें कि किंग से ज़्यादा किंग मेकर की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किंग मेकर अगर नहीं होगा तो किंग कहाँ से बनेगा। करेक्ट, सही बात, बिल्कुल। इनके जैसे आपने बताया कि टीम की ज़रूरत होती है, तो इसके साथ ही गवर्नमेंट के सपोर्ट की भी ज़रूरत होती होगी। अगर हम जमशेदपुर के साथ पूरे झारखंड की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो आपको क्या लगता है कितनी सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से, और ख़ासकर जमशेदपुर और झारखंड में क्या स्थिति है हॉकी को लेकर?
हॉकी अगर मैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी हॉकी के साथ जुड़ी हुई हूँ तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए या उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पे टैलेंट नहीं होगा, कहाँ ये करेंगे। जिस तरीके के हम लोग कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं, ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, या बोलिए चैम्पियनशिप्स करवा रहे हैं, छोटे से छोटा बोलिए और स्टेट लेवल का बोलिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये जो बच्चे बहुत टैलेंटेड है, जिनको आता है पता है, ये गवर्नमेंट तक पहुँचे। क्योंकि हम मतलब गवर्नमेंट के लिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं होती कि हम हर एक कोने में जाएं, तो ये टूर्नामेंट्स और चैम्पियनशिप के ज़रिए ही हम लोग इन बच्चों तक पहुंच सकते हैं। तो गवर्नमेंट हॉकी, मतलब हॉकी को लेके गवर्नमेंट, बाकी स्पोर्ट्स को लेके भी मैंने जो देखा है वो बहुत ही सपोर्टिव है। आपका करियर बास्केटबॉल में भी रहा है जी, उसको लेकर के क्या कहेंगे, उसकी क्या स्थिति है? अभी मैं खेलती तो नहीं हूँ जी, लेकिन हाँ जब मैंने मैं खेलती थी तभी भी मैंने देखा था कि खेल को लेके एक गवर्नमेंट का एक अलग रवैया होता है जो कि बहुत पॉजिटिव होता है, और वो चाहते हैं कि उनके स्टेट से या उनके कुछ लोग जाए, उनके, क्योंकि हर स्टेट से रिप्रेजेंट करना नेशनल्स में बहुत एक गर्व की बात होती है उस स्टेट के लिए भी। क्योंकि आज अगर देखेंगे कि झारखंड को सब जूनियर्स में, सब जूनियर हॉकी में करीबन 17 साल बाद गोल्ड मिला, बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी और बहुत सारे सालों बाद हम जब याद करेंगे कि सब जूनियर नेशनल्स में गोल्ड किसको मिला था, ऑब्वियसली स्टेट का नाम आएगा, गवर्नमेंट का नाम आएगा। तो ये हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उनका कहीं ना कहीं इतिहास में मेंशन, मतलब एक जिक्र रहे कि उन्होंने उस दौरान क्या क्या किया है। चंद्रेश जी, एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जो काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, एक अच्छे लेवल तक जा चुके हैं, लोग बताते हैं कि वो नेशनल तक खेले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके घर की स्थिति अगर देखें तो अपना घर चलाने के लिए, जीविकापार्जन अगर कहें तो उसके लिए, लाइफस्टाइल के लिए, वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे मैंने खुद भी ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो चिकन शॉप रखे हुए हैं और वो मुर्गा और मुर्गी काट करके उनके घर का खर्चा चल रहा है। तो क्या इस तरह के लोगों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती है, या इस तरह की सिचुएशन क्यों आती है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगी कि किसी भी प्लेयर को अपना एक बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करना ही चाहिए, ठीक है, वो मिनिमम 12th स्टैंडर्ड पास करे, क्योंकि खेल अभी ऐसा कॉम्पिटिटिव बन गया है कि आज आप हैं कल आप नहीं हैं, नहीं रहे, बट उस खेल से जुड़े होने के लिए भी आपको एक एजुकेशन चाहिए। अगर आपको वो खेल चाहिए या खेल पसंद है या वो आप उस लेवल में खेल चुके हैं तो उस खेल के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, तो उसके लिए आप उसके कोच बन सकते हैं। लेकिन वो कोच बनने के लिए भी अभी, मतलब दुनिया भर में, भारत में भी कोच बनने के लिए भी आपको एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप वो ऐसे कोई क्वालिफिकेशन कर लेते हैं या अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल मेडलिस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें नेशनल मेडलिस्ट आते हैं, हर साल आ रहे हैं, उन्हें कुछ अभी मेन चीज है कि सिर्फ नेशनल मेडलिस्ट ही काफी है क्या? सही बात, उसके साथ क्वालिफिकेशन, एग्जैक्टली, उसके साथ क्वालिफिकेशन एक बेसिक होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को भी ये समझ में आए कि मेरे पास ये जॉब अवेलेबल है, बट वो करने लायक तो वो बने। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि स्पोर्ट्स में लोग अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो अनुशासन को आप क्या समझती हैं, वारण करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, अगर आप देखेंगे स्कूल्स में भी डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आप लेट हो जाएंगे उस दिन आपको स्कूल में घुसने दिया जाएगा, नहीं दिया तो उसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा पालन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन अगर नहीं होगा, आप टाइम से उठेंगे नहीं, टाइम से सोएंगे नहीं, आप ठीक से खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो
आप अपना परफॉर्मेंस कभी नहीं दे पाएंगे। फिर आप चाहे आपका स्किल कितना ही अच्छा हो, अगर आपकी नींद रात की पूरी नहीं होगी तो आप सुबह नहीं खेल पाएंगे। सही बात है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, सबको करना चाहिए, पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए इस बारे में, बच्चों को तो बिल्कुल होना चाहिए। और कैजुअली ना ले अगर आप सही में स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं। चंद्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये कहना चाहेंगे कि जो भी ऐसे हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हों आपके साथ इस खास बातचीत को, अगर वो भी स्पोर्ट्स में आना चाहें तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा उनको यही मैसेज रहेगा कि आप जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं आप प्लीज़ उसमें थोड़ा रिसर्च करिए, देखिए उसमें आपको वो स्पोर्ट्स क्यों पसंद है जी। हो सकता है कि पहले बार में पसंद ना हो, दूसरा स्पोर्ट्स ट्राई करिए। और पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करिए, बहुत ज़रूरी है। उसको हो सकता है कि उसको कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा हो दूसरे बच्चों से लेके, हमको ये देखना है कि उसको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उसको आगे कैसे बढ़ सकता है वो बच्चा। बिल्कुल। आज हम लोग देखते हैं कि बच्चे आपस में ही बैठ के फ़ोन में खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। तो हम ये देखते हैं कि आपस में बैठ के ही फ़ोन में खेल रहे, वो उससे ना ही आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही आपका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही है। मैं ये बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ स्क्रीन से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें, कोई ना कोई इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज़ करवानी ही चाहिए। और हो सकता है कि सिर्फ वो उसी स्पोर्ट्स को लेके आगे भी बढ़े। यानी एक तरह से कहें तो ये मोबाइल गेम्स जो है लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप को बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो एक बार शुरू होती है तो ख़त्म नहीं होगी, नहीं। बट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आजकल के बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग्स को लेके। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ थे नवल टाटा हॉकी अकेडमी से चंद्री जी से हमारी एक खास बातचीत स्पोर्ट्स को लेकर, खासकर हॉकी को लेकर हमने बातचीत किया। स्पोर्ट्स की क्या कंडीशन है, कैसे स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है वगैरह वगैरह, काफ़ी मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। आप भी ज़रूरी एंजॉय किए होंगे। चंद्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।